हाय गाइस, क्या आप बेसिक होम यूज़ या ऑफिस वर्क के लिए एक डिसेंट परफॉर्मेंस वाला लैपटॉप बाय करना चाहते हैं पर आपका बजट सिर्फ 30,000 रुपये तक के आसपास है? तो आज मैं आपको HP के 247G8 लैपटॉप के बारे में बताऊंगा। और HP का यह लैपटॉप रिसेंटली इंडिया में लॉन्च हुआ है। और बता दूँ आपको, इस लैपटॉप में AMD का प्रोसेसर और प्रीलोडेड विंडोज 11 होम देखने को मिल जाएगी, जिससे यह लैपटॉप आपको एक्सेल, पावरपॉइंट, अकाउंटिंग या बिलिंग से रिलेटेड वर्क के लिए काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस प्रोवाइड करवा देगा। आप इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक पूरा देखना, क्योंकि इस वीडियो में आपको इस लैपटॉप की स्पेसिफिकेशंस एंड परफॉर्मेंस के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। और वीडियो के एंड में मैं आपको ये बताऊंगा कि क्या यह लैपटॉप आपके एवरीडे यूज़ के लिए वैल्यू फॉर मनी डील होगा या नहीं। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इस लैपटॉप के बारे में। चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस लैपटॉप के प्रोसेसर के बारे में। इस लैपटॉप में AMD का एथलॉन P3045B प्रोसेसर दिया गया है और इसमें 2.3 मेगाहर्ट्ज़ की बेस क्लॉक स्पीड से लेकर 3.2 मेगाहर्ट्ज़ तक की मैक्सिमम क्लॉक स्पीड देखने को मिल जाती है। और इसमें 2 कोर्स, 2 थ्रेड्स और 4 MB की L3 कैशे मेमोरी देखने को मिलती है। और बता दूं, ये एक डुअल कोर प्रोसेसर है, जिससे आप इस लैपटॉप को बेसिक वर्क के लिए कंसीडर कर सकते हैं। आप इस लैपटॉप को एक्सेल और पावरपॉइंट से रिलेटेड वर्क के लिए यूज़ कर सकते हैं और आप इसे पेंटिंग के लिए कंसीडर कर सकते हैं और आप इसको ऑनलाइन स्टडीज़ के लिए कंसीडर कर सकते हैं और आप इस लैपटॉप को अकाउंटिंग या सेल्स से रिलेटेड वर्क के लिए भी कंसीडर कर सकते हैं। यानी आप इसमें अपने सभी तरीके के टास्क फास्ट एंड ईजिली कर सकते हैं। और ग्राफिक्स के बारे में बताऊँ तो इस लैपटॉप में AMD का रेडियन इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड दिया गया है, जिससे आप इस लैपटॉप में सिर्फ बेसिक गेमिंग कर सकते हैं। और गाइस, ये कोई गेमिंग लैपटॉप नहीं है, इसलिए आप इस लैपटॉप में हाई लेवल्स पर गेमिंग बिल्कुल भी मत करना। और OS के बारे में बताऊँ तो इस लैपटॉप में प्री इंस्टॉल्ड विंडोज 11 होम सिंगल लैंग्वेज दी गई है और वो भी लाइफ टाइम फ्री वैलिडिटी के साथ। और मेमोरी की बात करें तो इसमें 1 TB की 5400 RPM की क्लॉक स्पीड वाली HDD स्टोरेज दी गई है। और बता दूं, ये लैपटॉप SSD को भी सपोर्ट करता है, जिससे आप इसमें फ्यूचर में HDD को रिप्लेस करके SSD को ऐड कर सकते हैं। और रैम की बात करूं तो इसमें 8 GB की 2400 MHz की क्लॉक स्पीड वाली DDR4 रैम दी गई है, जिसे आप 16 GB तक एक्सपेंड कर सकते हैं। और चलिए बात करते हैं इस लैपटॉप के डिस्प्ले के बारे में। आपको HP के इस लैपटॉप में 14 इंचेस का HD SVA डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। और इस लैपटॉप के डिस्प्ले में 250 निट्स की ब्राइटनेस और 45% तक का NTSC कलर गैमेट का सपोर्ट देखने को मिलता है। और इस लैपटॉप के डिस्प्ले के कलर्स और ब्राइटनेस काफ़ी डिसेंट क्वालिटी के रहने वाले हैं, जिससे यह लैपटॉप आपके इनडोर यूज़ के लिए काफ़ी ऑसम रहेगा। और इस लैपटॉप की बिल्ड क्वालिटी के बारे में बताऊँ तो HP के इस लैपटॉप की बिल्ड क्वालिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और लैपटॉप के टॉप पैनल पर आपको HP की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। और ये लैपटॉप पूरी तरीके से प्लास्टिक बिल्ट में आता है और इस लैपटॉप का वेट सिर्फ 1.5 किलोग्राम्स है। और ये एक HP का काफ़ी थिन एंड लाइट वेटेड लैपटॉप है, जिससे आपके लिए इस लैपटॉप को कैरी करना काफ़ी ईजी रहेगा। और यह लैपटॉप जेट ब्लैक कलर में आता है। और इस लैपटॉप की वायरलेस कनेक्टिविटी के बारे में बताऊँ तो इसमें बिल्ट इन वाईफाई और ब्लूटूथ का सपोर्ट रहने वाला है, जिससे आपको इसमें काफ़ी डिसेंट कनेक्टिविटी देखने को मिल जाएगी। और इस लैपटॉप में ऊपर की तरफ 720 पिक्सल्स वाला HD वेबकैम दिया गया है और वो भी इंटीग्रेटेड डुअल रेट डिजिटल माइक्रोफोन्स के साथ। और इसके स्पीकर्स की बात करें तो आपको इस लैपटॉप के फ्रंट में डुअल स्पीकर्स देखने को मिल जाएंगे। और चलिए बात करते हैं इस लैपटॉप के कीबोर्ड के बारे में। इस लैपटॉप में स्टैंडर्ड साइज का नन बैकलेट कीबोर्ड देखने को मिल जाता है। कीबोर्ड की कीज के बीच की डिस्टेंस काफ़ी बढ़िया है, जिससे आपको इस लैपटॉप में टाइपिंग करने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी और आपको इसमें काफ़ी बढ़िया टाइपिंग एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। पर इस लैपटॉप में आपको फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट सेंसर का फीचर देखने को नहीं मिलेगा। और बैटरी की बात करें तो इस लैपटॉप में 3 सेल्स वाली 41 वॉट की लिथियम आयन बैटरी दी गई है, जिससे आपको इस लैपटॉप में 3 से 4 घंटों तक का बैटरी बैकअप देखने को मिल जाएगा। और इस लैपटॉप के पोर्ट्स के बारे में बताऊँ तो आपको इस लैपटॉप के राइट हैंड साइड में आपको 1 नैनो सिक्योरिटी स्लॉट और 1 USB Type-C पोर्ट देखने को मिल जाएगा। और लेफ्ट हैंड साइड में आपको 1 चार्जिंग पोर्ट, 1 ईथरनेट पोर्ट, 1 HDMI पोर्ट, 2 USB Type-A पोर्ट्स और 1 3.5mm का ऑडियो जैक देखने को मिल जाएगा। और चलिए बात करते हैं कि इस लैपटॉप के बॉक्स को ओपन करने पर आपको क्या देखने को मिलेगा।
इस लैपटॉप के बॉक्स में आपको लैपटॉप पावर अडैप्टर और लैपटॉप के यूजर मैनुअल्स देखने को मिल जाएंगे। HP का ये लैपटॉप बिजनेस वर्क हो, ऑनलाइन स्टडीज हो या आपके पर्सनल यूज के लिए काफ़ी शानदार लैपटॉप है और इस लैपटॉप में 30,000 रुपये तक के बजट में काफ़ी शानदार फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि आपको इसमें 14 इंचेस का HD डिस्प्ले देखने को मिल जाता है और इसमें AMD का प्रोसेसर देखने को मिलता है और इसमें AMD के रेडियन इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड देखने को मिल जाते हैं और इसमें HD वेबकैम का सपोर्ट देखने को मिलता है और इसमें विंडोज़ 11 होम देखने को मिल जाती है और इस लैपटॉप में रैम को भी एक्सपेंड करने का ऑप्शन देखने को मिलता है। आपको इस लैपटॉप में परफॉर्मेंस को लेकर किसी तरह का कोई इश्यू देखने को नहीं मिलेगा और इस लैपटॉप पर पूरे एक साल की मैन्युफैक्चर वारंटी दी गई है। आप इस लैपटॉप में 6 से 7 घंटों तक बड़े प्यार से काम कर सकते हैं और आप इस लैपटॉप को लंबे समय तक यूज़ कर सकते हैं। वाकई में HP का ये लैपटॉप एक वैल्यू फॉर मनी डील है। और चलिए बात करते हैं इस लैपटॉप की कीमत के बारे में। इस लैपटॉप की कीमत है 31,000 रुपीज़ और आप इस लैपटॉप को Amazon से परचेज कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस लैपटॉप का लिंक मिल जाएगा और यदि आप इस लैपटॉप की पेमेंट क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के थ्रू करते हैं तो आपको 5-10% तक का डिस्काउंट मिल सकता है और आप इस लैपटॉप को EMI पर भी खरीद सकते हैं।